भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। हम आपको आज जो है इस वीडियो के माध्यम से ब्लड के बारे में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक का मतलब है कि हमारे शरीर में ब्लड का कार्य जो है वो ऊतकों को जोड़ने का होता है, और जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब है कि ये जो है इसका जो पीएच मान होता है वो पीएच मान लगभग जो है वो 7.3 से 7.4 होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। तथा जो ब्लड होता है वो स्वाद में थोड़ा सा नमकीन होता है, मतलब ब्लड को अगर हम चखें तो उसका जो स्वाद होता है नमकीन, उसका स्वाद हमें नमकीन की तरह लगता है। और क्या होता है, मनुष्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की औसत मात्रा, जो नॉर्मल मनुष्य होते हैं, नॉर्मल मनुष्य में जो रुधिर की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होता है। मतलब हमारे शरीर में ब्लड की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। जो शरीर के कुल भाग से जो हमारा शरीर है वो शरीर को शरीर से लगभग वो हमारे शरीर से 7 से 8% 100% में से 7 से 8% केवल और केवल हमारा ब्लड ही होता है। हर एक मनुष्य में ही होता है। जो ब्लड होता है इसके जो तरल माध्यम हो, जो तरल होता है, तरल माध्यम को कहा जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो हमारे शरीर में होता है, उस जो रुधिर होता है, रुधिर का जो तरल माध्यम होता है, तरल माध्यम को कहा जाता है प्लाज्मा। और जो इसमें पाए जाने वाली कोशिकाएं, जो रुधिर में जो कोशिकाएं मिलती हैं उसे कहा जाता है रुधिर कणिकाएं। इसे क्या कहा जाता है? रुधिर कणिकाएं। तो हमें ब्लड में क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि जो ब्लड होता है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, मतलब जो ब्लड है वो हमारे शरीर में ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा ये है कि जो तरल का रुधिर का जो पीएच मान होता है, रुधिर का पीएच मान वो होता है 7.3 से 7.4। रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4। अगर रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4 है तो रुधिर क्या होगा? क्षारीय होगा। रुधिर क्षारीय होगा। अगर 7 से कम होता तो अम्लीय होता, अगर 7 है तो उदासीन होगा। तो यहाँ पर रुधिर का पीएच मान समझ में आ गया है। रुधिर का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। जो रुधिर का स्वाद होता है, मतलब जो ब्लड का स्वाद होता है, ब्लड का स्वाद जो है वो थोड़ा नमकीन होता है। अगर कभी चखे होंगे, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, स्वस्थ मनुष्य में रुधिर की जो औसत मात्रा होती है, औसत मात्रा रुधिर की वो होता है 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर रुधिर की औसत मात्रा होती है। मतलब पूछा जाए कि शरीर के अंदर रुधिर कितना लीटर होता है, तो शरीर के अंदर रुधिर कितने लीटर होते हैं बच्चों? 5 से 6 लीटर होता है। और कहा, और है शरीर के कुल भाग, जो हमारा शरीर है उसके कुल भार से लगभग 5-7 से 8% केवल और केवल क्या होता है? रुधिर होता है। मतलब